प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि फरीदाबाद में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है और शहर में बाजार और दुकानें खुली मिली हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील गाँव झाड़सेतली, फतेहपुर बिलोल, ऊंचा गाँव मोहाना, छायसा अटाली में पैनी नजर बनाए रखी है। नहर पार के कुछ गांवों की गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी है और इसके साथ ही फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर ओपी सिंह ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करने की अपील की गई है। एंटी राइट इक्विपमेंट समेत पुलिसकर्मी तैयार हैं। 700 कैमरों से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है फरीदाबाद से। एक बार फिर से आपको बता दे कि फरीदाबाद में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। कृषि देश के विरोध में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि फरीदाबाद में बाजार और दुकानें खुली हुई थी। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पैनी नजर रखी गई थी। झाड़सेतली, फतेहपुर बिलोल, ऊंचा गांव मोहाना, छायसा अटाली और नहर पार के कुछ गांव की गतिविधियों पर पुलिस की पूरी निगरानी है और इसके साथ ही फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर ओपी सिंह ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने किसानों से शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करने की अपील की है। एंटी राइट इक्विपमेंट समेत पुलिसकर्मी तैयार हैं। शहर में 700 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है जो फरीदाबाद से आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बाजार में ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ। हमारे प्रधान अपना एसोसिएशन भी बनी हुई है मार्केट की, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना ही किसी को जानकारी है। आपकी माने तो आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है या कोई? बिल्कुल पूरा बाजार खुला हुआ है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। किसान ही कम है यहाँ पे, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये जगह कौन सी है? और ये ओल्ड फरीदाबाद है हरियाणा में। तो ये बात कैसे कह सकते हैं किसान कम है, क्योंकि मंडी भी नजदीक है? दो दो मंडियाँ हैं, मंडियाँ नजदीक है, लेकिन यहाँ पे बाजार सारा खुला हुआ है, कोई ऐसी बात है नहीं। यहाँ तो यहाँ कोई किसान वगैरह आए नहीं? आए नहीं, यहाँ कोई नहीं आया जी।